चलो आ जाओ भाई। तो हाँ भाई, तुम्हारे नोट्स की बात हो गई ना, ठीक है। हाँ एक चीज़ बताओ यार, कि भाई जब तुम करते हो जो भी किताबें विताबें सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, एसई वर्मा कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम फिजिक्स में ना, अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि भाई तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? मतलब ऐसा होता भी था भी तो भी बता दो ना, हमेशा कुछ ना कुछ तो डाउट आते होंगे, 10%, 20%, 25%, जो भी तुम्हारे डाउट आते थे, तो उस समय फिर क्या करते थे ना, मतलब कैसे डील करते थे, क्या होता था? मतलब चलो भाई, ओम तुम बताओ। तो उसमें तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन हमेशा किसी एक स्टेप पर जाके रुकेगा। जैसे कि चौथा स्टेप पर रुक गया और इसके बाद मैं ये कर रहा हूँ तो गलत आंसर आ रहा है, या इसके बाद क्या करूँ ये समझ नहीं रहा, दो चीज हो सकता है। तो उस क्वेश्चन को, जैसे कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मेरा है कि रात को 12 बजे से 4:30 बजे तक मेरे को फिजिक्स ही खत्म करना है, मतलब एक चैप्टर को करना है, खत्म नहीं करना है, मतलब करना है, मतलब ठीक है। सॉल्व करना है, तो वो कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन में रुक गया, तो रफ कॉपी मेरे पास है, अब मैं उस सेकंड क्वेश्चन को गोला मार के छोड़ दूंगा, तीसरे क्वेश्चन में आ जाऊंगा। और ठीक है। 4 बजे तो डाउट क्लासेस नहीं चलते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम था मेरा, तो सुबह अब उसको सुबह फोटो खींच के से डाल हमने दूंगा ए कि टाइम कर सर। दिया है, अब नहीं अभी सुबह ए टाइम कर दिया, अब तो हमने और भी जल्दी कर दिया है। ठीक है हाँ, तो बताओ, पहले 10 बजे तक था, तो फैसिलिटीज मैं दस बढ़ाते बजे जा रहे हैं फोटो धीरे खींच धीरे, के डाल फैसिलिटीज दूंगा इंक्रीज कि करते जा रहे हैं। हाँ हाँ 10 बजे फोटो खींच के डाल दूंगा कि ठीक है। सर ये उसका सेकंड क्वेश्चन का है और मैं इस तरीके सॉल्व किया, वो नहीं हुआ, तो ठीक है। ऐसे करके। अच्छा तो कर लेते थे, ऐसा नहीं रोने रोने नहीं लगते थे कि अरे यार मेरे क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा नहीं होता था? हाँ नहीं होता सर, और अच्छा स्टार्टिंग में लगता था कि स्टार्टिंग में जब 11th क्लास एकदम ज्वाइन किया था, फ्रेश थी, कुछ पता नहीं है, और जब पहले मॉक टेस्ट में मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, तो लगता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा और ये कैसे इम्प्रूव करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप बढ़ते चला गया उसमें, मतलब जो सर कहते थे वही किया, कुछ इसमें ऐसा कोई नया चीज या छुपा चीज नहीं है जो किसी और को नहीं पता, सिर्फ मेरे को पता है बिल्कुल। बताने लायक। हाँ कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है पक्का, कुछ सीक्रेटली करते हो जो किसी को नहीं, बताया नहीं है? नहीं पक्का, नहीं। चलो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। गौरी बताओ भाई तुम। सर, एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती थी और उसके लिए डाउट क्लास होती थी, तो एचसी वर्मा तो सॉल्व हो जाती थी, बाकी डीपीपीज में भी देयर वाज सॉल्यूशन का ऑप्शन, तो और पहले डीपीपीज के क्वेश्चन के जस्ट नीचे सॉल्यूशन हुआ करता था, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ने की बजाय मैं तुरंत सोल्यूशन देख लेती बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद फीडबैक तुम लोगों ने दिया था, तुम्हारे बैच ने ही दिया था कि सॉल्यूशन अलग करो डीपीपी में से, है ना? तो फिर उसके बाद हमने डीपीपी वर्ड में करी, फिर सॉल्यूशन पूरे अलग करे, वरना पहले साथ में रखते थे ना। तुम्हारे तुम्हारे टाइम से आया था, 1-1.5 साल पहले ही करा था ये वाला काम। ठीक है बताओ और आगे। बट स्टिल आई थिंक उससे भी मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बिकॉज डीपीपी में हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं और मुझे हर तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन पता लग गया एक तरह ठीक है। से, और फिर उसको और प्रैक्टिस कर लिया तो वो चीज क्लियर हो जाती थी। बाद में मुझे डाउट्स में प्रॉब्लम आई थी जब पेपर पास आ रहा था, तो तब मैं लाइव क्लास नहीं अटेंड करती थी और इसलिए डाउट ग्रुप का मेरी लिंक छूट गई थी, तो ठीक है। तब मुझे अनअकैडमी डाउट फीचर पे मैंने थोड़ा सा डालना शुरू किया, बट मोस्टली ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में डाउट होता है, फॉर्मूला बेस्ड में नहीं होता है, तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते थे डाउट्स, बट स्टिल आई कुड अंडरस्टैंड कि मतलब कहना क्या चाहते हैं वो, तो ठीक है। उस तरह से दोबारा ट्राई करके, नहीं करके दोबारा नोट्स को रेफर कर लो, बिकॉज नोट्स आर मोस्टली ओरिएंटेड फॉर, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम आ सकती है उसका आंसर नोट्स में मिल जाता था, तो ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एक बार मुझे बहुत ही एक मतलब क्वेश्चन की एंड में मॉक टेस्ट में एक तरह का क्वेश्चन आता था कि गैस दी है, हीलियम दी है, ऑक्सीजन दी है, उसका एटॉमिसिटी अलग है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के वर्ड को यूज करने से आंसर कैसे चेंज हो जाता है, मुझे इसमें बहुत डाउट हो रहा था एंड में, तो मैंने कई बार अनअकैडमी डाउट ग्रुप पे डाला और होप किया कि वो मेरा क्वेश्चन समझ जाए, बट वो नहीं समझे। फिर ठीक है। मैंने फिर अपने स्कूल टीचर को एक्चुअली कांटेक्ट किया था सर कि प्लीज आप ये बता सकते हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि हाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी में तुम एटॉमिसिटी वाला कंसिडर कर लो, और नहीं तो वरना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो आई थिंक मुझे ये हो गया था कि ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं पेपर में, नीट ठीक में, है क्योंकि ठीक है। पीवाईक्यूज में बहुत आते थे।
वो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व किया था ठीक है जस्ट बिकॉज डाउट ग्रुप तब अवेलेबल नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है। तो तो बहुत तुमने ऐसा बढ़िया। क्यों, उस चीज़ में ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने एक रैंकर्स ग्रुप बनाया था और मैंने डाला भी था कि इस पेपर को अटेम्प्ट करो, इसके बेसिस में मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा, तो तुमने उसको दिया नहीं था उस टेस्ट को। अच्छा, नहीं सर, तुम्हें पता भी नहीं था मैंने ऐसे टेस्ट कंडक्ट करके अलग से बनाया था। नहीं सर, हाँ, तो ये हो गया, तुम कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें हाँ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो तुम प्लस के ग्रुप पे भी नहीं थे, प्लस के ग्रुप पे तो ये डाल रखा था प्रॉपर हमने, जो PPP ग्रुप था। प्लस ग्रुप पे जो नीट फिजिक्स वाला ग्रुप है, हाँ, जो PPPP है, आई थिंक मैंने चेक नहीं किया होगा फिर। ठीक है, तो यही होगा है ना, क्योंकि हमने इसलिए अलग कर दिया था ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, और उनको हम पर्सनल गाइड कर रहे थे, मतलब डाउट टीचर नहीं थे, मैं खुद था, संतोष सर थे, जो समझ रहे हो ना, सीनियर टीचर थे, वो गाइड कर रहे थे हम लोग। अगली चीज़, तुमने अगर तुम नोट्स खोल के देखोगे तो ये तो बहुत स्पेसिफिकली लिखवाया है मैंने, क्योंकि जो तुम डाउट बोल रहे हो ना KTG में, मुझे खुद के यही डाउट होते थे, कन्फ्यूजन। KTG चैप्टर आसान है, कन्फ्यूजन हैंगर होता था कि भाई टोटल क्या है, एवरेज क्या है, तो इसको तो मैंने बहुत हाईलाइट करके लिखवाई पर वाली चीज़, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो आई थिंक मैंने नोट्स में ही मैसअप कर दिया होगा। क्योंकि देखो, चलो ठीक है, पर ठीक है, अच्छी बात है, एनी वेज है ना, तुम्हारा क्लैरिफाई हो गया था ना, पर मुझे एक चीज़ समझ में आई भाई, देखो इसमें तुम्हारा एक साथ क्या दिक्कत हुई, तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो सकती थी अगर तुम कनेक्टेड रहते एक्चुअल में, क्योंकि डाउट्स हाँ में समझ गया, जो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल डाउट होते हैं वो तुम्हारे समझो ना, वो मतलब समझो, जो फ्रेशर टीचर्स वगैरह होते हैं तो उससे उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है आज के डाउट फीचर वगैरह पे, है ना, तो वो तुम्हें सीनियर टीचर से ही डिस्कस करने होते हैं उस तरह के कॉन्सेप्चुअल टास्क, ताकि अच्छे से हो पाए। तो कनेक्टेड रहना था इसमें, तुम्हें अप्रोच करना चाहिए था, तुम्हें या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहिए था तुम्हें, और उसमें दिक्कत है कि उसमें मैसेज बहुत आते हैं, तो सीधा तरीका एक ही था, तुम्हें टेस्ट में नंबर स्कोर करके ग्रुप में आना था, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट द अटेंशन ऑफ द सीनियर टीचर्स, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट एनी वेज अंत भला तो सब भला, तो फाइनली ठीक है, 180 में से 180 है, तो नथिंग मैटर्स नाउ, है ना। चलो ठीक है भाई संदीप, तुम बताओ भाई, तुमने कैसे करते थे जब क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होते थे? नहीं, अच्छा ये बताओ कभी जब सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था तो डीमोटिवेट होते थे क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है मेरा क्वेश्चन, क्या सर ऐसे नहीं है, मतलब आपने पढ़ एक मिनट संदीप, पहले लिया गौरी से एक सब बार पूछ लेते हैं, तुम्हारा मतलब रिएक्शन क्या होता था, मुझे वो रिएक्शन जानना है बच्चों का, जैसे नहीं हुए, मान लो तुमने 10 क्वेश्चन करो, 10 में से मान लो 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए, तब कैसा लगता था, कैसे कॉप करते थे? सर। एचसीवी में तक तो ठीक लगता था कि हाँ इसका एक्सेप्टेबल है कि नहीं हो रहा है, और तब नया नया चैप्टर पढ़ा होता था ठीक है। तो क्लास में डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे मॉक टेस्ट में अगर बहुत क्वेश्चंस गलत हो गए तो प्रॉब्लम लगती थी, तो उसका सोल्यूशन यही है कि फिर रिवाइज करना चाहिए। तब ठीक है। घबराहट होती थी, एक तो एग्जाम पास है और अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ठीक आई है। थिंक मिस्टेक्स होना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फिर आप रिवाइज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टेक्स नहीं होंगे तो यू विल फील कि आपको सब आता है, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये तुम खुद से खुद को पॉजिटिव रखते थे कि भाई डीमोटिवेट नहीं होना है, मुझे इससे सीखना है। सर कोई चॉइस नहीं है, और अगर डिमोटिवेट हो गए, 1 महीने में एग्जाम है तो मुझे ही तो सफर करना होगा फिर। तो वेरी गुड वेरी गुड, इट्स या हाँ एग्जैक्टली। इट्स कीप योर हेड, सबसे मिस्टेक्स होती हैं और उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बैठे मत रहो, उस पे दुखी मत रहो, जस्ट वर्क फॉर इट। कोई टॉपिक एक ऐसा है अगर जिसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसके और क्वेश्चंस कर लो, उसके फॉर्मूलाज देख लो जरा एक बार, फिर मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी, फिर यू विल फील बेटर। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, है ना, यही करना होता है ना, मतलब क्वेश्चन ना होना मतलब डिमोटिवेट नहीं होता, इसका मतलब तुम्हें देर सर्टेन एरियाज इन विच यू नीड टू वर्क, तो उन पर काम करना स्टार्ट करो, वो एक फीडबैक दे रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं, वो तुमको एक फीडबैक दे रहा है कि कहीं भी कुछ छूट रहा है, तो वहाँ पे काम करना चालू करो, और अच्छी चीज़ है, तुम्हें पता चल गया है ना, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो वहाँ पे काम कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन दैट और इम्प्रूव कर सकते हो। संदीप तुम्हारा बताओ भाई, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे क्या होता था, कैसे करते थे? सर जैसे कुछ क्वेश्चंस में तो ओम ने भी ये कहा ना कि सर जैसे हम आंसर लेके आए बट वो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही होती थी, तो ठीक है। फिर उसे कहीं ना कहीं कभी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो सर एक बार हो गई तो चलो वो ठीक लगता है कि हाँ एक बार हो गई गलती से, ठीक बट है, आगे नहीं हो गया। बट ऐसा नहीं होता था, कई बार 3-4 क्वेश्चंस में भी हो जाती थी कैलकुलेशन ठीक है, मिस्टेक। ठीक है, तो सर उस टाइम पे लगता था यार अगर ऐसे हो रही है एग्जाम में तो, और टिपिकल क्वेश्चन कई बार होता था बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती थी, ठीक है। तो उसमें लगता था कि यार ऐसे एग्जाम में अगर आ गया तो फिर क्या होगा, बट उसे वहीं पे सॉल्व करना है, उसे ऐसा नहीं कि कैलकुलेट कर लो, या मतलब एक होता है ना हम एक अप्रोक्स आइडिया करके क्लोजेस्ट वैल्यू हम कर सकते हैं, मतलब ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में मैं कभी कभार हो जाता था, मुझे लगता था ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर क्या होगा, तो इसलिए सर ठीक मैं है, उन क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करता था जो मेरे ठीक वैल्यू है, मैच नहीं कर रही होती ठीक थी। है, ठीक है। और दूसरा ये कि सर कभी कभार जैसे 3-4 क्वेश्चन तो एकदम लाइन से हो गए, बट कभी कभार ऐसा होता था जो 2 से 3 क्वेश्चन लगातार नहीं आए, ठीक है, तो फिर उनको पूरा
उस पे बार बार फाइट ना करके उन्हें सर्कल करके आगे जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके फिर लास्ट में उन पे आता था जो ठीक क्वेश्चन है मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और फिर ये देखता था कि इसमें कमी क्या रही। सबसे पहले तो सोल्यूशन रेफर कर लिया, और अगर सोल्यूशन से तो थोड़ा बिल्कुल क्लियर ही हो जाता है, बट अगर ऐसा लग रहा है कि उस वक्त ही रिविजन की ज्यादा जरूरत है कि वो चीज मतलब वोलेटाइल है, उड़ गई है मतलब मेमोरी से, तो फिर दोबारा से नोट्स को रिवाइज कर लो, फिर एकदम से हो जाएगा। एक्सक्यूज मिल गया नोट्स रिवाइज करने का, हर चीज में पॉजिटिव। एक एक्सक्यूज मिल गया ना नोट्स रिवाइज करने का, एक और रिविजन करने का, तो हर चीज में पॉजिटिव तो है यार। वही वही सर, मतलब कि एक बार ये है कि नोट्स जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना अच्छा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मतलब। और डायग्राम सबसे जरूरी सर, क्वेश्चंस में कोई भी पढ़ो तो भले ही छोटा सा हो, आपको लग रहा है कि मूविंग विद डैश वेलोसिटी, बट उसका भी एक डायग्राम बना लो, छोटा सा आदमी, छोटी सी कार और इस डायरेक्शन, मतलब हर क्वेश्चन को डायग्राम से टैकल करो, तो आधा क्वेश्चन वहीं पे मतलब अटैक हो गया, बिल्कुल 50% क्वेश्चन हो जाता है अगर तुम डायग्राम बनाओ। और एक एक होता है कि तुमने एक स्टेप ले ली, तुम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ गए, होता नहीं हम बैठे हैं सोचे ही जा रहे हैं, मतलब कुछ कर नहीं रहे बस बैठे हुए, तो वो नहीं होता। पेन चलाते हैं, नाउ यू आर डूइंग समथिंग, नाउ यू आर डूइंग समथिंग, यस सर, कि पेन चलेगा उतना दिमाग चलेगा, मतलब पेन को डायग्राम के फॉर्म में मतलब चलता रहना चाहिए, मतलब एक उससे हेल्प होगा। बाकी सर हाँ, कहीं कभार डिमोटिवेशन थोड़ा सा आ जाता था, जैसे उसमें टेस्ट सीरीज में अगर गलत हो गए या जैसे 140 के नीचे स्कोर आ गया, तो थोड़ा सा मतलब एक हो जाता था अंदर से कि मतलब यार इतना कम कैसे गलत हो गए 8 सवाल या फिर तो। बट उसकी उसकी जगह उसे क्या करना है कि उसे नोट डाउन करना है कि क्यों गलत हुए, अपनी मिस्टेक्स को, और खुश होना चाहिए सर कि मैंने मिस्टेक करी तो एटलीस्ट मैं कुछ नया सीखने को मिला सर, उससे पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिविटी तो नीचे ही गिराएगी। तो उस चीज में अपने आप को सेल्फ टॉक करके अपने आप को बूस्टअप करना है कि कोई बात नहीं, मेरे को ये नहीं आता तो मैं वो कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, या बार बार से देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उससे बूस्टअप भी करना चाहिए सर, मैं तो यही करता था, मतलब बूस्टअप करता था खुद को सेल्फ। और कर क्या सकते थे अगर नहीं करते तो, ये भी बात है सर। और क्या करता कि सर, वही सर हेड डाउन करके बैठे रहता बस, बिल्कुल क्वेश्चन ही आ रहे, बंद कर दी किताब साइड में रख दी, अब दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, बट ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले, फाइटर तो बनने होता है, वो फाइटर वाला टीचर तुमको चाहिए, वॉरियर टाइप से किया होता है। और सबसे ज्यादा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ बच्चे सर, ऐसा है कि एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दे दिए, नहीं हुआ तब भी सर 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट देते जा रहे हैं, बट अपने आपको एक टाइम फ्रेम में लिमिट करो कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को पूरा टाइम दे दिया, तो कोशिश करो कि लास्ट में आओ उन क्वेश्चन पे जो आपको नहीं आया, डाउट में है मतलब। ये तो मॉक टेस्ट के दौरान बोल रहे हो? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस के दौरान ही बोल रहा हूँ सर, कि अपने आपको जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जैसे 1 साल है या फिर 12th में कोई या फिर ड्रॉपर है, तो प्रैक्टिस करते वक्त अपने आपको एक टाइम फ्रेम में रखो कि अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन है या किसी डीपी में 10 से 12 क्वेश्चन है, डीपी में या 15 क्वेश्चन है, तो उनको मुझे 20 मिनट में या 22 मिनट में लगभग इतने टाइम में करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आधे एक घंटा मतलब सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में 1 घंटा दे रहा हूँ, तो वो टाइम का वेस्टेज है, उस टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री या बायो में बूस्टअप करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसमें एक्चुअली बताए दो दो पार्ट है, इसमें हर एक चीज का एक सही समय होता है। एक समय होता है जब तुम्हें जरूरत पड़ने पे क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा और देना होता है ना, ठीक है, और वो देना होता है, वो जरूरी होता है, वो आधा घंटा वेस्टेज नहीं होता, वो फाइट होती है। पर वो समय होता है जब तुम चैप्टर पहली बार पढ़ रहे होते हो, ऑफकोर्स अगर हर ऐसा हर एक क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा हर क्वेश्चन में कर दिया क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत लिमिटेड है, टाइम हमारे बहुत लिमिटेड होता है। अगर तुम करने लगे तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट छूटेंगे, बैकलॉग होने लगेगा, आगे का चैप्टर चालू हो जाएगा, तुम्हारा होमवर्क नहीं होगा, तो वो बैलेंस तुम्हें करना होता है ना। तो जैसे एससीबी के क्वेश्चंस में आप टाइम ले लो उसमें मतलब चलेगा, बट आप सिंपल फॉर्मूलाज वाले और हो गए कि मैं खुद ही ड्राइव करते रहूंगा, मतलब वहीं पे बैठ के सब कुछ करूंगा और मैं करते रहूंगा ट्राई 5 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, मतलब वो सर वहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट है, बट एससीबी में आप कर सकते हो, समय देना पड़ेगा स्टार्टिंग में क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो, एंड एज यू कीप डूइंग देम वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर तुम्हें अगला टाइम आता है, अगली बार आती है जब तुम स्पीड पे देखे करते हो, टाइम कंस्ट्रेंट लेके धड़ाधड़ तुम क्वेश्चन करते हो, पर पहले हमेशा सीखना होता है, सीखने में जल्दबाजी नहीं कर सकते, सीखने के बाद भागा जाता है, फिर भागने पर प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। चलो अश्विनी तुम्हारा बताओ, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? ऐसा तो होता नहीं होगा ना कि सारी क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन हो रहा है, 100 के 100 गए हर बार, है ना? ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी कुछ क्वेश्चन नहीं होते थे, मैं कपता था उन पर, ट्राई करता था करने का, फिर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होते थे, तो मैं एक बार तो छोड़ देता था, ठीक है, नहीं होता ना, तब मैं लास्ट में मेरे पास वही दिनेश सर थे,
तो मैं मतलब कभी भी उनको कॉल कर सकता था। ठीक तो है कभी कभी मैंने रात 12 बजे भी उनको कॉल किया है, तो फिर वो मेरे को मतलब डिटेल में समझा देते थे। ठीक है अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं हो तो डिमोटिवेट हो गए, अब क्या होगा नहीं सर, नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा ऐसा कभी फील नहीं हुआ? 99% तक मैं ऐसा ट्राई करता था कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूं, वेरी गुड। बट फिर भी कभी कभी नहीं हो पाता, तो फिर लास्ट ऑप्शन दिनेश सर के पास ही मैं कॉल करता था उनको। चलो अच्छी बात है, ठीक है वेरी गुड है ना। तो देखो इसने एक दो चीज़ें बहुत अच्छी बोल दी। पहले तो देखो एक चीज़ बोली भाई अश्विन ने कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको उस समय छोड़ो, आधे एक घंटे बाद ट्राई करो, अगले दिन ट्राई करो, बाद में ट्राई करो। और ये दिस इज समहाउ मैजिक जैसे कुछ होता है, पर होता है कि तुम्हारा दिमाग बाद में कुछ अलग तरीके से चल रहा होता है और हो जाते हैं क्वेश्चन। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, इतने सारे लाइव एक्सपीरियंस है, इतने सारे यस स्टूडेंट्स कर सर, रहे हैं। तुम उस समय नहीं कर पाए उस समय छोड़ दो, बाद में फिर से ट्राई करो। इमीडिएटली सॉल्यूशन देखना, डाउट पूछना वो भी सही हैबिट नहीं होती। हाँ तुमने दूसरी बार करा ट्राई हमारा तब भी नहीं हुआ, तो ठीक है अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आगे और तरीके नहीं है तुम्हारे पास करने का, तो फिर भाई सॉल्यूशन देखो या फिर टीचर से डाउट पूछ के क्लेरिफाई करो, है ना? ठीक है चलो अच्छी बात है भाई।